Hello my dear students, I welcome you all with another the most important topics, that is liver rule of igneous petrology. So by using this liver rule you can understand the how you can calculate the various numericals of phasic therapy, है ना? क्योंकि पूरी igneous petrology में ये एक ही formula है to tackle the numerical based on phasic therapy. Now, so I once again welcome you all to the Bahubali lecture series. You can also download our app, the Renaissance Academy app. I will be given that link will be provided to you in the comment section. Okay. So on this app, all the content is exclusively free. Okay. So yahi aur more exciting content aapko app pe jo milega and with no any cost, free of cost. So today we are going to see the liver rule. ठीक है? आपको liver rule के बारे में पढ़ना पड़ेगा. इसमें देखो, I am considering diaphragm and anorthotic system, binary system. इसमें क्या हो रहा है? At T2, let's say, at T2 हमें solid fraction and liquid fraction calculate करना है. At temperature T2 we are going to calculate the solid fraction and liquid fraction. Okay, so this is your liquidus aur ye aapka solidus hai. Theek hai, solidus is vertical line. Solidus vertical kyun hota hai? Kyunki ek bar jo crystal ka crystal crystallize ho jata hai magma se to uska composition bhi change nahi hota, aisa humne assumption kiya, and that's why we have solidus as a vertical line. बट लिक्विड में क्या होता है, सिमेट्री कंडीशन की वजह से दो मिनरल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई कंपोजिशन जो है वो कंटीन्यूअसली चेंज होता है. दैट्स व्हाई हमारा लिक्विड जो है वो ऐसा कर्व मिलता है. तो सी एट T2 टेंपरेचर यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ रीजन बना दिया, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से आप डॉटेड लाइन लेके नीचे आ जाओ, फिर ये ऊपर की जो T1 की बाउंड्री रहेगी यहाँ से आप उसे डॉटेड लाइन नीचे ले आओ, इसे हम फलक्रम बोलते हैं. फलक्रम एक सेपरेशन है लाइन का, सॉलिड और लिक्विड फ्रैक्शन का. अब यहाँ देखोगे आपका बन गया S2 पोर्शन, L2 पोर्शन, ये आप अपने मान कर दिया. ठीक है, अब अगर हमें सॉलिड फ्रैक्शन निकालना है तो हमारा लिवर रूल क्या कहता है? लिवर रूल हमारा कहता है कि फॉर सॉलिड फ्रैक्शन आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सॉलिड प्लस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका लीवर रूल कहता है. सिमिलरली फॉर लिक्विड फ्रैक्शन अगर निकालना है तो लिक्विड अपन सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब टोटल इनटू 100, ये आपको निकालना है. तो फॉर हम इसके लिए हम कैलकुलेट करके रखते हैं, जैसे S2 निकाल लो, S2 देखो यहाँ पे अनऑर्थोटिक 50, यहाँ अनऑर्थोटिक 60 है, मतलब क्या आ जाएगा 60 माइनस 50, ये आ जाएगा 10. L2 ना निकाल लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, L2 निकाल लो. अब यहाँ पर देखो एनालिसिस में एंड में कुछ नहीं, यानी 100% रहेगा, और यहाँ पे इस एंड पे आपको क्या लिया है 60, तो 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा 40. अब आपको S2 और L2 की वैल्यू मिल गई. अब देखो सॉलिड मतलब हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना है. मान लो तो सॉलिड परसेंटेज निकालो मतलब क्रिस्टलाइजेशन का, तो आप कैसे निकालोगे क्रिस्टलाइजेशन का परसेंट, हमेशा याद रखना, जैसे अगर आपको सॉलिड का निकालना है तो जो लिक्विडस को अटैच है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? तो लिक्विडस को जो पोर्शन अटैच है वो आपको सॉलिड का प्रोपोर्शन देगा, और जो लाइन सॉलिडस को अटैच है जैसे यहाँ से यहाँ तक L2 आपको किसके बारे में बताएगा, L2 आपको मेल्ट के बारे में बताएगा. ये L2 आपके मेल्ट के बारे में बताएगा और ये आपको सॉलिड के बारे में बताएगा. ऐसा याद रखो, लिक्विडस को जो अटैच है मैं लिख देता हूँ यहाँ, लिक्विडस को जो अटैच है वो आपको सॉलिड के बारे में बताएगा, और जो सॉलिडस को अटैच है वो आपको मेल्ट के बारे में बताएगा. तो अगर हमें सॉलिड परसेंटेज निकालना है तो हम क्या लेंगे, सॉलिड परसेंटेज निकालना है तो हमें L2 लेना पड़ेगा. ठीक है, S2 लेना पड़ेगा सॉलिड परसेंटेज के लिए. तो क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू कितनी है 10,
अपॉन 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 10 बाय 50 इंटू 100, तो 50 टू 10 टू 20% आपका सॉलिड है। अब अगर आपको मेल्ट फ्रैक्शन या लिक्विड फ्रैक्शन निकालना है तो आप कौन सा कंसिडर करोगे, जो सॉलिडस को अटैच है, ये वाली लाइन देखो सॉलिडस को अटैच है क्योंकि ये हमारा सॉलिडस है, तो एल टू ले लो। एल टू आपको मेल्ट के बारे में पता है, एल टू की वैल्यू क्या है 40, सो 40 अपॉन टोटल मतलब 10 प्लस 40 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 40 बाय 50 इंटू 100, 50 टू 40 टू 80%, तो 80% आपका मेल्ट हो गया और 20% क्या होगा आपका सॉलिड प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी डायग्राम नहीं है, मान लो एक मैं डायग्राम बना देता हूँ ऐसी, ठीक है, इसमें एक पोर्शन दिया ऐसा डिवाइड करके दिया, इसको बोल दिया 3 यूनिट्स, इसको बोल दिया 2 यूनिट्स, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है जैन में, ठीक है। अब आपको ये ग्राफ देख के याद आता होगा, इसमें आपको मैंने पूछ लिया कि मेल्ट का प्रोपोर्शन निकाल, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देखोगे, ये आपका क्या है लिक्विडस, ठीक है, ये आपका क्या है सॉलिडस। तो मैंने बोल दिया आपको कि जो सॉलिडस को अटैच होगा वो मेल्ट के बारे में निकालना बताएगा आपको, मेल्ट का प्रोपोर्शन आपको निकालना है पूछा गया है। तो सॉलिडस मेल्ट के बारे में, सॉलिडस देखो ये सॉलिडस है और सॉलिडस को अटैच कौन सी लाइन है, ये मतलब आपका ये जो 3 यूनिट्स है ये क्या बताएगा मेल्ट के बारे में। तो 3 यूनिट अपॉन टोटल, टोटल क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 3 बाय 5 इंटू 100, 5 20 23 कितना हो गया 60%, तो 60% आपका क्या हो गया मेल्ट का प्रोपोर्शन हो जाएगा, समझ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द लीवर रूल टू कैलकुलेट वेरियस फिजिकल न्यूमेरिकल। इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है तो हर जगह आ जाते हैं लीवर रूल ही लगना। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है बेस्ड ऑन योर फिजिकल क्रिया, या तो फेज रूल बेस्ड होगा तो आप फेज रूल लगा दो, और नहीं तो प्रोपोर्शन बेस्ड है या मॉलिक्यूल बेस्ड है तो आपको लीवर रूल ही लगाना। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल लीवर रूल क्वेश्चन। सो ओके थैंक यू, सो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप, ओके द रेनेसेंस एकेडमी, आप ऐप डाउनलोड करो, ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब, तो यूट्यूब पे भी मिलेगा बट वी हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूट्यूब, तो हम ऐप पे यही कंटेंट आपका चलाएंगे, है ना। सो आप ऐप से भी ऐप से इसे इस सब चीज़ों को व्यू कर सकते हैं। And stay tuned to Renaissance Academy for more content. Thank you.